रामचंद्र जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और चार बार वो लोकसभा के सदस्य रहे, और हम तीन भाई थे, बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, सेकेंड में मैं, और तीसरे भाई, सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी थे। और घर में वो सबके दुलारा थे, सबके प्रिय पात्र थे। छोटा भाई, छोटा बेटा, ऐसे भी सबका प्रिय पात्र होता है, और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे। उस आदमी को कभी अब मायूस नहीं देखते, कभी मायूस नहीं देखते, 24 घंटा हंसते रहना, और वर्कर्स के साथ में, चाहे 100 वर्कर्स हो, 200 वर्कर्स हो, बैठ के गप करना, हंसना, किस्सा कहानी कहना। और वो चार बार लोकसभा के मेंबर बने, और पहली बार बड़े साहब ने उनको दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और बड़े अच्छे ढंग से पूरे देश में दलित सेना का संगठन को वो मजबूत किए। फिर दोबारे पार्टी के अधिकारी बने, राष्ट्रीय महासचिव बने, और निरंतर बिहार से लेकर दिल्ली तक बड़े साहब बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। हम तो पटना में रहते थे, लेकिन हम लोग भी निश्चिंत रहते थे कि पार्टी का क्या काम होगा नहीं होगा। और नॉर्थ ईस्ट का उनको इंचार्ज मिला हुआ था, वो काफ़ी देश भी भ्रमण करते थे। और इस दिन, उस दिन घटिया, मैंने उस दिन की बात है कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उसके तीन चार दिन पहले पार्लियामेंट का सेशन था, और रेल बजट पर बोलना था, संयोग उसी दिन हाँ, नहीं नहीं, तुम बढ़ गए थे चार दिन के बाद में, तो रेल बजट पर जो बोलना था, हम लोग दोनों भाई कभी साथ पार्लियामेंट नहीं जाते थे। उस दिन ईश्वर के संयोग देखिए कि साथ ही नाश्ता किए और साथ ही एक ही गाड़ी से हम लोग गए वहाँ, और एक ही सीट पर दोनों भाई बैठे हुए थे। वो भाषण भी दिए, और वहाँ से जब हम लोग आए तो शाम में 4 बजे के लगभग हार्ट अटैक हुआ। फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चला, उसके 4-5 दिन के बाद वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। और हम तीन भाई थे, तीन भाई में बड़ा भाई भी हम लोग को छोड़ के चले गए, छोटा भाई भी छोड़ के चले गए। आज वो दुखद घड़ी है, और चौथा पुण्यतिथि है उनकी, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही हमारी संवेदना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।